व्हाट्सअप गाइस, ओनी सर। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की। तो यार, ये वॉच की अभी जो प्राइस है विदाउट सेल, ये अभी 19,000 के आसपास है। लेकिन मेरे को सेल में कुछ ऑफर्स वगैरह या सेल में वैसे भी प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, तो 15K का पड़ा है, राइट। तो ये यार सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, इसकी जो आउटर अनबॉक्सिंग है वो हो चुकी है, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट की तरफ से आते हैं तो वो अपने तरफ से ओपन बॉक्स डिलीवरी करके दिखा देते हैं हमें प्रोडक्ट, क्योंकि उनको वेरीफाई करना होता है। कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे लोग जैसे आईफोन ऑर्डर किए और जिसमें डिटर्जेंट पाउडर निकल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को बार बार आने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ओपन बॉक्स डिलीवरी यार शुरू कर दी। जब ओपन बॉक्स डिलीवरी शुरू हो गई तो उसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी बंद हो गई, क्योंकि उसी समय आपको वेरीफाई किया जाता है और दिखा दिया जाता है, मतलब फ़ोटो खींच लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट सही सलामत डिलीवरी हो चुकी है। तो इसलिए इसकी आउटर अनबॉक्सिंग हो चुकी है। लेकिन इसके मैं स्पेसिफिकेशन थोड़ा से बता दूं, आप वैसे भी इंटरनेट पर जाके ये सारी चीज़ आप सर्च कर सकते हो। हालांकि इस पे जो प्राइस लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 30,000 के आसपास, 29,000 समथिंग, ठीक है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा। और वैसे भी मेरे को 15K का पड़ा, तो 15,000 की ये घड़ी है। मतलब इतनी महंगी वॉच मैं मतलब सोचा भी नहीं होगा कि इतनी महंगी वॉच मैं खरीदूंगा कभी। और ये यार काफ़ी मतलब कूल, इसका जो प्रोडक्ट का डब्बा है यार, मतलब काफ़ी अच्छा। गैलेक्सी वॉच 4 आपको दिख रहा होगा उस पर, राइट। तो अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। 16GB रैम है, और सॉरी 16GB इंटरनल मेमोरी है, और 1.5GB की रैम है इसमें। और मेरे इस फ़ोन से ये कंफर्टेबल है, आपको फ़ोन की अनबॉक्सिंग पता ही है। ये 37K की मैंने रियलमी वाली फ़ोन ली थी, तो काफ़ी खर्चे हो रहे हैं यार। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ और देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। अभी तक तो मैं अच्छे से मैंने यूज़ भी नहीं किया इस प्रोडक्ट को, लेट्स सी कि प्रोडक्ट है कैसा। और हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये इसमें हमारे यूज़र मैनुअल और चार्जर, जैसा कि मैंने यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग देखा था, तो इसमें वही चीज़ें होंगी। मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी बाद में मैं दिखाऊँगा कि ये वॉच कैसी है यार। तो ये पूरा डब्बा खाली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास। और इसके बाद ये वाली हमारी जो सेक्शन है वो है हमारी चार्जर की सेक्शन। अब इस चार्जर में एक चीज़ मेरे को यूनिक थोड़ी लगी कि ये मैग्नेट वाला चार्जर है, मतलब इसको घड़ी के पास केवल ले जाकर आपको नीचे से चिपका देना है, ये अपने आप चार्जिंग शुरू कर देगा। ये ऐसी मतलब चार्जर जो है मैंने पहली बार देखी है कि ऐसा कुछ भी है। हालांकि अब मोबाइल्स वगैरह में भी आ चुके हैं ये चार्जर, तो ये अब उतना नया भी नहीं रहा, राइट। यूजर मैनुअल्स हैं, तो यूजर मैनुअल आपको भी पता है कि शायद ही कोई पढ़ता हो इस दुनिया में, हालांकि पढ़ना तो चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है इस पर। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, ये तीनों चीज़ हमारी साइड में, इसमें कुछ नहीं। तो हमारी मेन जो प्रोडक्ट है जिसकी कीमत हमने चुकाई है वो ये रहा, 15,000 के आसपास मेरे को पड़ा है इसका पूरा। और ये यार काफ़ी अच्छा लुक है, मतलब अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा लुक है। मतलब अब मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे खोल के, और ये पूरा डब्बा ऐसे खाली, ये रही हमारी घड़ी। आप पूरा लुक देखो, मैंने ब्लैक लिया क्योंकि ब्लैक में यार 1,000 का और कम था और मेरे को ब्लैक चाहिए भी था। ग्रीन लेता तो मेरे को 18-19,000 के आसपास पड़ता, या वाइट वाला ये सिल्वर कलर की जो आती है प्लेटिंग। लेकिन ये जो है मेरा पूरा ब्लैक है। और इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करके मैं इससे कनेक्ट करके पहन के फिर आपको दिखाता। तो ये रहा, मैंने पहन लिया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी किया है, तो काफ़ी कूल दिख रहा है, मतलब वर्थ इट है और प्रीमियम दिख भी रहा है यार। मतलब अगर मैं अपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ, यहाँ से तो वैसे भी कनेक्ट है, एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और कनेक्ट हो जाता है ये। तो मैं इसके फेस को जो है मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, वॉच फेसेज को यहाँ से जाके मैं आप देख पा रहे होंगे, मैं वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने कुछ नहीं, आप अपना ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करो और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो अब आप देख लो, ये ऑटोमेटिक यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, ये देखो। जैसा भी आपको इंटरफेस चाहिए आप ले सकते हो। और इस पर काफ़ी अच्छा, मतलब जितने भी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो, आप इसको ऐसे मूव करा के जितने भी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं सैमसंग हेल्थ में जाके। या इसका एक चीज़ जो मेरे को और अच्छा लगा, ये आप ऐसे यहाँ से भी आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा। फ़ोन वगैरह भी लगा सकते हो इससे, तो यार काफ़ी अच्छा वॉच है। मतलब देखने में तो लग रहा है यार कि इतना महंगा है, सैमसंग की बात ही अलग है। और हेल्थ जो इसका, सैमसंग हेल्थ जो है, ये कैटेगरी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और इसकी काफ़ी अच्छी रिव्यू है सैमसंग हेल्थ के, जो सेंसर्स वगैरह हैं बीपी वगैरह जो भी हैं इस पर काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें आपको स्टेप्स, आपको सबसे
पहला वो जो दिख रहा होगा ये स्टेप्स, उसके बाद एक्टिव टाइम और एक्टिव कैलोरी, आपने कितनी कैलोरी खर्च की इस पर दिखा देगा ये, राइट। आप इस पर स्लीप भी मेजर कर सकते हो कि कितना देर आप सो चुके थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा ये। इसके अलावा आप अगर वॉकिंग रनिंग या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट करके भी आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो और देख सकते हो आपने कितना क्या किया। बॉडी फैट्स वगैरह भी आपको बता देगा ये यहाँ से, और बॉडी फैट्स या स्केलेटल मसल्स कितना है सब कुछ पूरे डिटेल में बताया गया है। स्लीप टाइमिंग आपकी बता देगा, आप कितने देर रात सोए वो सब कुछ पूरे डिटेल में बताया गया है। आपकी कोई नोटिफिकेशंस वगैरह या अलार्म वगैरह आप रिमाइंडर वगैरह लगाते हैं तो आपको बता देगा, जैसे इसमें कोई मैसेज आएगा अगर आपकी स्क्रीन ऑन नहीं है तभी इसमें दिखाएगा, अगर आपकी इसकी स्क्रीन ऑन है तो इसमें वो नोटिफिकेशन नहीं दिखाता है। स्ट्रेस वगैरह आप मेजर कर सकते हैं इससे। इसके अलावा मैं अगर देखूँ तो आप ये बीपी भी माप सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कितना है आपका सब कुछ पूरे डिटेल में माप सकते हैं, राइट। तो ये यार खासियत है सैमसंग की, और देखने में तो आपको दिख रहा होगा यार काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है ये वॉच, और मेरा फेवरेट था, मेरा काफ़ी दिनों से मन था इसको लेने का। तो पहले तो 23K था लेकिन सेल में यार 15K के आसपास कार्ड्स वगैरह लगाया मैं एक दो तरीके से, तो मेरे को 15K में पड़ गया ये, तो काफ़ी अच्छा वॉच है। एक चीज़ की हम और अनबॉक्सिंग करेंगे, ये रहा हमारा बोट का एक प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है। तो मेरा जो पिछला वाला बोट का एक ईयरबड था आपने देखा होगा उसमें ANC फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन मेरे को चाहिए था ऑटोमेटिक नॉइज कैंसिलेशन वाला फीचर। तो ये यार फीचर मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता था, जब भी मैं किसी को देखता था तो मतलब आप जब भी किसी मीटिंग में या 10 आदमी के बीच में बैठे हो तो ANC वाला फीचर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ANC नहीं होगा तो फिर आप मान लीजिए कोई म्यूजिक सुन रहे हो या किसी से बात भी कर रहे हो तो बाहर की आवाज़ें बहुत कम जाती है, लेकिन ANC है तो बाहर की आवाज़ें भी काट देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन बंद कर देते हो तो बाहर की पूरी आवाज़ अंदर आने लगती है, ऐसा भी सिस्टम है कि आप आवाज़ भी म्यूजिक का भी सुन सकते हो और बाहर का भी पूरा ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कान में लगाया नहीं है। तो ANC मेरे को चाहिए था। आप भी जब मेट्रो सिटीज़ में जाते हो तो काफ़ी भीड़ भड़ाकर रहते हैं, वहाँ पर भीड़ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसा चाहिए था कि बाहर की आवाज़ें ना जाए, आप जो बात कर रहे हो केवल वही जाए। इसलिए मैंने बोट का ये मंगाया ANC फीचर वाला, और इसकी भी यार अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं हो चुकी है क्योंकि वही ओपन बॉक्स डिलीवरी करके जो चीज़ आती है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये प्रोडक्ट है मेरा, पहले भी वाइट कलर का ही था क्योंकि ये वाइट ये ब्लैक ये मतलब कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा दिखेगा पूरा पूरा, और ये भी पूरा ब्लैक है। मेरे को ये भी ब्लैक चाहिए था लेकिन ब्लैक मिला नहीं तो मैंने वाइट पे किया। वाइट पे हालांकि 200-300 रुपये ज़्यादा लगते हैं वाइट का, आपको ही पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं ब्लैक मिला भी नहीं इसका। अब इसकी अनबॉक्सिंग यार अभी तक एक तरफ से हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रही हमारी बोट की प्रोडक्ट। ओ भाई ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी को गिफ्ट वगैरह दे रहे हो वैसा कुछ ये पैक करके भेजते हैं, आप देख सकते हो इसे। पहला भी एकदम सेम था, आपको लग रहा होगा वो सेम चीज़ है, लेकिन पूरा पूरा नया है ये, आप देख सकते हो। इसकी मैं बिलिंग डेट वगैरह अगर दिखाऊं आपको तो बिलिंग डेट वगैरह देख सकते हो 12 अक्टूबर का यहाँ पे है, 12 अक्टूबर 2022 का ये जो बिलिंग डेट है या ऑर्डर डेट जो भी है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। पूरा पूरा नया, देखने में भले ही सेम लग रहा होगा लेकिन पूरा पूरा नया प्रोडक्ट आप देख सकते हो। उस पर कुछ स्क्रैचेज वगैरह भी आ चुके थे तो वो मैंने उसकी छटनी कर दी एक तरह से कहते हो। तो ये यार मेरा प्रोडक्ट दोनों, एक ये और एक ये, तो टोटल कुल मिला के इसकी कॉस्ट जो मेरी पड़ी मेरे को वो 2800 के आसपास, 2.8K और ये 15K, तो लगभग 18K मेरे खर्च हो चुके हैं इसमें। और पिछली बार जो मैंने मोबाइल मंगाया था 37K का, वो टोटल मिला के यार 50K के ऊपर चला गया दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मिला करके। तो अब तीनों चीज़ें यार प्रीमियम हो चुकी हैं, तो मेरे को काफ़ी मतलब ऐसा शौक है कि प्रीमियम चीज़ें ही पहना करूं। जब भी वेयरेबल्स वगैरह या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं मेरे पास वो सभी ब्रांडेड हों, प्रीमियम हों, गुड क्वालिटीज़ की हों तो अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको भी पता है इस पे पाइथन या जितने भी इंडस्ट्री लेवल की जानकारियां मैं देते रहता हूं, तो आपसे भी यार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिस्ट यू है, गुड डे, बाय।